दोस्तों इवन एप्टीट्यूड एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम क्लास 11th का फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, इस बार जो एग्ज़ाम होने आपके वो दो टर्म्स में होने हैं, टर्म वन एंड टर्म टू। तो जो टर्म वन रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसमें MCQ पूछे जाएंगे आपसे और आपको बबल्स फिल करने होंगे। और चार चार ऑप्शंस होते हैं, जैसा कि MCQ में आपको उस तरह से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। और टर्म टू जो है वो हमारा सब्जेक्टिव टाइप रहेगा, तो वहाँ पर आपको नॉर्मल शीट मिलेगी जिस पर आपको पेन से लिखना होगा। उसमें शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप, कन्वेंशनल पेपर जो होता है जैसा, वैसा ही होगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा क्लास 11th का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं टर्म वन में और क्या क्या टॉपिक्स हैं टर्म टू में। तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि आपका कितने मार्क्स का पेपर आएगा टर्म वन में, वो है 35 मार्क्स का। इसी तरह से टर्म टू में भी आपका 35 मार्क्स का ही पेपर आएगा। तो टर्म वन का जो टाइम दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि टाइम जो है 1.5 आवर, मतलब 90 मिनट्स का आपका टर्म वन है। और आपको 35 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने होंगे, क्योंकि पर क्वेश्चन 1 मार्क है। तो 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और इसके लिए आपके पास 90 मिनट्स है, ठीक है। तो बाकी जो है 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना पर यूनिट जो मार्क्स मार्क्स है, यूनिट वाइज जो आपका मार्क्स की एलोकेशन है वो कैसे की गई है वो देख लेते हैं हम। तो देखिए, फर्स्ट 3 यूनिट्स जो हैं आपके, उसके लिए आपके पास 20 मार्क्स है। और सिमिलरली नेक्स्ट जो 3 यूनिट्स हैं उनके लिए आपके पास 15 मार्क्स हैं। तो ये मार्क्स की एलोकेशन है, पहले 3 यूनिट्स के लिए 20 नंबर और अगले 3 यूनिट के लिए 15 नंबर, ठीक है। तो पहले 3 यूनिट्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं, चैप्टर कौन कौन से हैं उसके अंदर फिर। तो पहला है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, ये फर्स्ट यूनिट का नाम है आपका। तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल वर्ड और चैप्टर नंबर 2 जो है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट। नाउ सेकंड यूनिट क्या है, सेकंड यूनिट है काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 दो चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास है मोशन, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा, फिर मोशन आ गया मोशन इन ए प्लेन। तो दो तरह के मोशन आपको करने हैं स्टडी, पहला है स्ट्रेट लाइन, दूसरा है प्लेन। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट के ऊपर। तो नेक्स्ट यूनिट यूनिट नंबर 3 है हमारे पास। तो यहाँ पर है लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो चैप्टर का नाम भी सेम ही है, लॉज ऑफ मोशन एक ही चैप्टर है इसमें। उसके बाद यूनिट नंबर 4 आ जाता है हमारा, तो इसमें वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। इसमें भी जो चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम भी सेम ही है, एक ही चैप्टर है इसमें भी। देन यूनिट नंबर 5 में आ जाते हैं। तो यूनिट नंबर 5 है मोशन ऑफ, ठीक है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ठीक है। तो ये यूनिट का नाम है और चैप्टर इसमें चैप्टर नंबर 7 है। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। तो रोटेशनल मोशन यहाँ पर स्टडी करना है हमने साथ में। देन चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन है यहाँ पर, ठीक है। और यूनिट नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 8 है, तो यहाँ भी ग्रेविटेशन ही है सेम है। तो ये हमारा 35 मार्क्स का सिलेबस हो गया जो हमने टर्म वन में पढ़ना है। अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें कंटेंट्स क्या क्या है इस सिलेबस में। तो ये जो आपका वीडियो है ना, ये बहुत थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं एक एक टर्म एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आना है, तो उसमें आपको थोरो स्टडी करना है। तो इन टर्म्स में से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं एक एक टर्म को अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर, तो वीडियो हो जाएगा लंबा का, ठीक है। पेशेंस से इसको देखिए तो आपको फ़ायदा मिलेगा। देन चैप्टर नंबर 1 में हम चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास फिजिकल वर्ड, फिजिकल वर्ड। तो फिजिकल वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। फिजिकल फिजिकल मतलब होता है बाहरी, ठीक है, फिजिकल होता है बाहरी, भौतिक, ठीक है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वर्ड मतलब संसार हो गया। तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स का फिजिकल वर्ड से क्या रिलेशन, फिजिक्स का मीनिंग ही क्या है, फिजिक्स का मीनिंग है जो हमें दिखाई दे रहा है, बाहर है सब कुछ, ठीक है। केमिस्ट्री तो अंदर होती है ना, केमिस्ट्री मतलब केमिकल, ठीक है, रासायनिक। फिजिक्स मतलब भौतिक, जो बाहर का है सब कुछ। तो साइंस में 3 चीज़ें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिजिक्स की बात करें, तो फिजिकल वर्ड से फिजिक्स का क्या रिलेशन है, मतलब एक बार आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस कह सकते हैं,
ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, तो उस तरह का है इसमें। तो पहले देख लेते हैं स्कोप क्या है इसका, ठीक है, फिजिक्स का स्कोप क्या है, स्कोप एंड उसके बाद है हमारे पास एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स के अंदर, क्यों पढ़ते हैं हम फिजिक्स, पढ़ने का क्या फायदा है, क्यों आपको एक्साइट करते हैं फिजिक्स पढ़ने, ठीक है। देन नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, ठीक है, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज का नेचर क्या है, देन क्या है फिजिक्स के बारे में अब आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस फिजिकल नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, तो इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, देन फिजिक्स आ गया, फिजिक्स के बाद है हमारे पास टेक्नोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स देन टेक्नोलॉजी क्या है, एंड उसके बाद आता है सोसाइटी, टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, मतलब जो टेक्नोलॉजी का सोसाइटी के ऊपर क्या असर है या क्या रिलेशन है दोनों के अंदर, ठीक है, क्या फायदा मिलता है टेक्नोलॉजी का सोसाइटी को, उस टाइप से। देन टू बी डिस्कस्ड एज, ये तो देखिए साथ में लिखा होता है जहाँ भी बैकग्राउंड, मतलब वो साथ में हिंट दे देता है कि आपको किस रेफरेंस में इस चीज को स्टडी करना है। तो इंट्रोडक्शन उसमें इसको स्टडी करना है कि आप एक तरह से वार्म अप कर रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा इससे पूछे जाने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। तो असली जो कहानी स्टार्ट होती है वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होती है। तो एक वार्म अप आपको दे दिया गया कि फिजिक्स क्यों पढ़नी चाहिए, इसका फिजिकल वर्ड क्या है, ठीक है, सोसाइटी को क्या फायदा मिलेगा, ठीक है, लॉज ऑफ फिजिक्स, इस टाइप की चीजें सारी आपकी वार्म अप आपको दे दिया। अब हम एक्चुअल फिजिक्स पे आते हैं, तो एक्चुअल फिजिक्स जो आपकी स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट हो रही है। तो इसमें क्या है हमारे पास, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। अब ये जो यूनिट्स हैं ये वो यूनिट्स नहीं है जैसे यूनिट 1 यूनिट 2 लिखा हुआ है ना आपका, तो ये यूनिट्स हैं जो हमारे पास फिजिकल जो हमारी क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स, जैसे मास, ठीक है, मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, टाइम इज ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इनके यूनिट्स क्या रहेंगे, जैसे मास का यूनिट क्या रहेगा, किलोग्राम रहेगा, ठीक है, लेंथ का यूनिट मीटर रहेगा, टाइम का यूनिट सेकंड रहेगा। तो यूनिट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, सिस्टम्स क्या है यूनिट्स की क्लासिफिकेशन की, CGS, MKS, FPS, SI, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना होगा यहाँ पर, और मेजरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। मैं तो वैसे आपको एक इंट्रोडक्शन जस्ट दे दी, द नीड फॉर मेजरमेंट, सबसे पहला टॉपिक है नीड फॉर मेजरमेंट, जरूरत ही क्या है मेजरमेंट की, क्यों मापना है, ठीक है, आप अपने अपने ऊपर ही लीजिए, ठीक है, आपको क्या मापना, अपनी हाइट मापनी है तो उसके लिए आपको लेंथ की यूनिट चाहिए, लेंथ चाहिए, ठीक है। देन आपको अपना वेट मापना है, ठीक है, तो वेट क्या होता है, एक्चुअली मास आपको मापना है, ठीक है, वेट तो हम वैसे बोल देते हैं, एक्चुअली क्या मास मेजर करना है आपको, तो आपका मास मेजर करना है, ठीक है, केजी में, और आपको टाइम देखना है, ठीक है, ये काम मैं कितने टाइम में कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपको घड़ी या मोबाइल या स्टॉप वॉच, मतलब वॉच की कोई भी फॉर्म चाहिए तो उसके लिए भी यूनिट्स चाहिए आपको। तो नीड फॉर मेजरमेंट, तो मेजरमेंट की जरूरत ही क्यों है, ठीक है, एक आसान सा एग्जांपल आपको मैंने बता दिया तीनों क्वांटिटीज का, जो बेसिक क्वांटिटीज है हमारी, लेंथ, मास एंड टाइम। उसके बाद आता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब मापोगे तो सही, तो कैसे मापोगे, किन यूनिट्स का इस्तेमाल करोगे, जैसे किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, सेकेंड हो गया, ये सब क्या है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। देन है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, अब इसको यूनिट्स का सिस्टम क्या, जैसे मैंने आपको बता दिया था ना FPS, CGS, MKS, SI, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए SI लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बोलते हैं, SI मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। तो यहाँ पर जैसे FPS है, पुराना सिस्टम जो था FPS था, तो उसमें फुट पाउंड सेकंड था, ठीक है, फुट किसका यूनिट था, तो ये यूनिट्स का जो सिस्टम रहता है ना LMT में चलता है, लेंथ मास टाइम, ठीक है, फुट जो है लेंथ का यूनिट हो गया, देन हमारे पास P जो है पाउंड जो था हमारा मास का यूनिट था, और सेकेंड हमेशा लास्ट में आएगा टाइम का यूनिट, ठीक है। तो MKS में भी ऐसा रहता है और हमारा CGS में भी रहता है, CGS में जैसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड चलता है, तो इस तरह से MKS में मीटर किलोग्राम सेकेंड, इस टाइप से। तो ये सब यूनिट्स हैं मेजरमेंट के, मैंने आपको मोस्टली बताई दी इसमें। देन आता है फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, तो तीन बेसिक रहते हैं फंडामेंटल में, मैंने बता दिया लेंथ, मास और टाइम, इनके यूनिट्स हैं ये ना फंडामेंटल है, तो बाकी ड्राइव्ड रहते हैं, जैसे फोर्स का यूनिट हो गया आपके पास, ठीक है, फोर्स का यूनिट जो है हम ड्राइव करेंगे किससे, जब फोर्स कहता है इनटू ए मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो मास हमारा केजी में हो गया, एक्सेलरेशन हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, ठीक है, तो ये ड्राइव यूनिट हो गया। तो
तो इसमें क्या क्या आ गया, मास भी आ गया, लेंथ भी आ गया, टाइम भी आ गया 4 यूनिट्स में। देन लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है, मेजरमेंट्स। तो आपको ये बेसिक तीन तरह के हैं ना जो, तो उनके मेजरमेंट कैसे करनी है ये डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ेगा। देन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, दो टर्म्स रहती हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। तो एक्यूरेसी क्या रहती है कि आपकी जो एक्चुअल है मेजरमेंट, ठीक है, जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू के आप कितना क्लोजनेस है, क्लोज है, ठीक है, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। जितना आप ज़्यादा क्लोज होंगे तो एरर उतनी कम होगी और क्लोजनेस आपकी उतनी ज़्यादा होगी। अब प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन का एक्यूरेसी से कोई बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है। मान लीजिए आप एक मेजरमेंट लेते हैं और उसको 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, हर बार वही वैल्यू आती है, ठीक है, उसके आसपास की वैल्यू आती है, दैट मीन्स वो प्रिसाइज है, लेकिन हो सकता है वो एक्यूरेट ना हो, आपका इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो, बार बार वही रीडिंग दे रहा हो, ठीक है। तो प्रिसीजन क्या है, एग्रीमेंट ऑफ मेजरिंग वैल्यूज, ठीक है, तो एग्रीमेंट ऑफ बार बार आप वही चीज़ आ रही है हमारे पास। तो बेसिकली दोनों चीज़ें चाहिए हमें, एक्यूरेसी भी चाहिए और प्रिसीजन भी चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो। तो इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी भी बोल देते हैं इसको, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं आपका जो सिस्टम है मेजरिंग, देखिए लिखा हुआ है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये इसी से रिलेटेड है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। देन आया था एरर्स, एरर्स इन मेजरमेंट्स, कितनी तरह की एरर होती हैं, स्टेटिक एरर, डायनेमिक एरर, ये डिफरेंट टाइप की एरर्स होती हैं। देन सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस। जैसे मान लीजिए मास तो केजी में हो गया, ठीक है, लेंथ हमारा, ये सब यूनिट्स हैं, तो एमएलटी के फॉर्म में चल जाते हैं हम डायमेंशंस में। अब मास के लिए एम यूज करते हैं, लेंथ के लिए एल यूज करते हैं, टाइम के लिए टी यूज कर लेते हैं। अब इसके हिसाब से हम जितने भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, टॉर्क है, तो इन सब के भी हम डायमेंशंस निकाल लेते हैं एम एल और टी की फॉर्म में। देन डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस इससे आगे का पार्ट है, एंड इट्स एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं इसको, डायमेंशनल एनालिसिस को। अब हम चले जाते हैं आगे यूनिट नंबर 2 के ऊपर। तो यूनिट नंबर 2 जो है हमारा रिलेटेड है काइनेमेटिक्स से। तो यहाँ पर देखिए वर्ड्स 3-4 वर्ड्स हैं, मिलते जुलते हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको स्टेटिक्स, ठीक है, स्टेटिक्स का मतलब आप ये समझिए कि स्टेशनरी है, ठीक है, मोशन है ही नहीं वहाँ पर, ठीक है, स्टेटिक्स है एक वर्ड। एक वर्ड है काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स का मतलब है मोशन तो है, फोर्स को स्टडी नहीं करते हम, ठीक है, काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं और फोर्सेस को स्टडी नहीं करेंगे। जब वर्ड आया था डायनेमिक, ठीक है, डायनेमिक्स, तो उसमें हम मोशन भी स्टडी करते हैं और साथ में फोर्स भी स्टडी करते हैं, ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स का मीनिंग ये रहता है कि जब हम इनर्शिया फोर्सेस की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम काइनेटिक्स। तो 4 तरह के यहाँ पर इस टाइप के मिलते जुलते वर्ड्स हैं ये, ठीक है, स्टेटिक, डायनेमिक, काइनेमेटिक और काइनेटिक। तो अब हम चैप्टर नंबर 3 पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर देखिए काइनेमेटिक्स जब भी आएगा तो मोशन जरूर आएगा। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पहला चैप्टर है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसके अगला चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। अब पहले मैं दोनों के हेडिंग में डिफरेंस आपको बता दूं, क्योंकि आगे हम बढ़ेंगे तो पहले डिफरेंस ही पता होना चाहिए कि दोनों चैप्टर्स में अलग क्या है। तो पहला क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर आपको अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन मोशन को स्टडी करना है, ठीक है, आप डेविएट नहीं करेंगे स्ट्रेट लाइन से, सिर्फ हमें एक स्ट्रेट लाइन में जो, जैसे मान लीजिए एक कार है, ठीक है, कार सीधी जा रही है, ठीक है, अब पूरी की पूरी कार की विड्थ को आप निगलेक्ट कर दो, अगर उसको एक स्ट्रेट लाइन मान लो, ठीक है, मान लो उसका जो कार का सेंटर है, ठीक है, तो उसी का हम लोकस लेते हैं, तो उसमें क्या है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, सीधी सड़क है बिल्कुल, ठीक है, तो वो वाला जो मोशन है वो मोशन लोगे स्ट्रेट लाइन में। दूसरा क्या है, मोशन इन ए प्लेन, तो मोशन इन ए प्लेन का मतलब है कि कार जो है हमारी स्ट्रेट लाइन के साथ साथ इधर उधर भी जा सकती है, उसके बाद रोड है, ठीक है, लेफ्ट राइट कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऊपर नीचे नहीं होगी, ठीक है, थर्ड डायमेंशन में नहीं जाएगी, एक प्लेन में ही रहेगी वो, ठीक है, तो कार उड़ने से तो रही, ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे का भी हो सकता है ना, मान लीजिए कोई ब्रेकर आ गया, खड्डा आ गया, ठीक है, तो ऊपर नीचे होगी ना,
या फिर जो रोड की रफनेस है उसकी वजह से भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उसको हम निगलेक्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये डिफरेंस है अलोंग स्ट्रेट लाइन और अलोंग प्लेन में। तो पहले हम बात करते हैं अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स क्या है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। फोर, ठीक है, डिस्क्राइबिंग मोशन। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छी चीज आ गई आपके पास मैथमेटिक्स में। कैलकुलस जो होता है ना उसमें दो चैप्टर्स रहते हैं, एक डिफरेंशिएशन एक इंटीग्रेशन। वैसे तो थर्ड भी रहता है, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर आपके जो सिलेबस है यहाँ पर देखिए आपको एक रीकैप देगा ये कैलकुलस का, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आगे जो डेरिवेशन आएंगी यहाँ पर फिजिक्स की उनको सोल्व करने में। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन का आइडिया और इंटीग्रेशन का आइडिया हो जाना चाहिए। और वो किस फॉर्म में हो जाए, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलेरेशन के फॉर्म में हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, ये कैलकुलस में आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, तो इस चीज़ का आइडिया आपको होना चाहिए। और प्लस टू के सिलेबस में है ये चीज़, लेकिन आपको यहाँ पर प्लस वन में ही पढ़ना है तो प्रॉब्लम वो है, इसलिए आपको यहाँ पर ये कि स्टार्टिंग में आपको एक आइडिया दे रहा है, क्योंकि आपके एक्चुअली प्लस टू के सिलेबस में मैथ्स में पढ़ाई जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब दोनों मोशन में डिफरेंस क्या है, एक तो यूनिफॉर्म मोशन है दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो मान लीजिए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चली जा रही है कार, ठीक है, बिल्कुल सीधी, कोई उसमें डेविएशन नहीं है, ना ऊपर नीचे होगी ना साइड होगी, ठीक है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से अलोंग स्ट्रेट लाइन चल रही है, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म इससे उल्टा होगा, ठीक है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, मान लो चेंज हो रही है, कभी ब्रेक लग रही है कभी एक्सेलेरेशन आ रहा है, ठीक है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब डेविएशन हो रहा है आपका यूनिफॉर्म मोशन से। उसके बाद आता है हमारे पास एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड मतलब आपने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मीनिंग है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट, जो टाइम का एक पॉइंट ले लिया आपने, वहाँ पर वेलोसिटी को मेजर किया, तो जैसे मान लो मैंने कहा कि 5:01 पे कितनी वेलोसिटी थी, ठीक है, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई उसकी, देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब सबसे पहले आपको वेलोसिटी और स्पीड में भी डिफरेंस करना पड़ेगा। अब वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, ये भी पता होना चाहिए। उससे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है 9th और 10th में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो स्केलर वैक्टर पहले तो ये भी पता होना चाहिए। तो स्केलर में हमारे पास हम मैग्नीट्यूड ही स्टडी करते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी रहता है और साथ में डायरेक्शन भी रहती है, तो दोनों चीज़ें रहती हैं। और इसी तरह से जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली जो स्पीड है हमारी वो स्केलर क्वांटिटी और जो वेलोसिटी है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी में हम दोनों चीज़ें लेते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तक हम पहुँच गए। उसके बाद आए थे हम यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। अब इसका मीनिंग क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन, यहाँ पर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन में एक्सेलेरेशन रिमेंस कांस्टेंट। अब एक्सेलेरेशन है क्या, एक्सेलेरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन में हमारे पास एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगा, और उसके बाद जो है वेलोसिटी टाइम एंड दूसरा है एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ्स। तो
यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम हमारा एक्स एक्सिस पर रहता है और वेलोसिटी हमारी वाई एक्सिस पर रहती है, और जो हमारा दूसरा है पोजीशन टाइम ग्राफ में, हमारी पोजीशन जो रहेगी वो वाई एक्सिस पर रहेगी और टाइम हमारा एक्स एक्सिस पर रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है वो रहता है हमारे पास एक्स एक्सिस में, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो रहता है वो हमारा वाई एक्सिस पर रहता है। तो आप देख सकते हैं कि टाइम कभी भी डिपेंडेंट नहीं हो सकता। ठीक है, टाइम तो हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहना है क्योंकि टाइम को हम बांध नहीं सकते। तो ये रीज़न है हमारा टाइम का एक्स एक्सिस पर रहने का। उसके बाद आता है हमारे पास रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन रिमेंस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो वहाँ पर ग्राफिकल मेथड से आपके कुछ एक रिलेशंस डेवलप करने हैं, आपको ड्राइव करने हैं। तो अब हम आते हैं चैप्टर नंबर फोर के ऊपर। तो चैप्टर नंबर फोर था हमारा रिलेटेड टू मोशन इन ए प्लेन। अब हमारा मोशन इन ए प्लेन मतलब हम कार को लेफ्ट और राइट में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो देखिए स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, अब स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज यहाँ समझाया जा रहा है आपको, जबकि ऊपर भी समझा देना चाहिए था जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और की डिस्टेंस का या वेलोसिटी वगैरह का आया था। तो स्केलर एंड वेक्टर तो मैंने बता दिया आपको स्केलर एंड वेक्टर होता क्या। देन इसमें दो तरह का रहता है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। ठीक है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। तो पोजीशन का मतलब यह है कि आपके एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पे लोकेशन पे। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि उस जगह से मूव कर गया। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो उस तरह के वेक्टर्स कह सकते हैं आप। देन आते हैं हमारे पास जनरल वेक्टर्स। ठीक है, जनरल वेक्टर्स एंड देयर नोटेशंस। तो वेक्टर को कैसे आप नोटेशन कैसे देंगे। ठीक है, जैसे आप ऊपर एक एरो हेड एरो का निशान लगा रहता है। ठीक है, तो उस तरह की नोटेशन रहती है, जैसे ए के ऊपर आप देखो या बी के ऊपर या वेलोसिटी के लिए वी के ऊपर। ठीक है, एरो हेड लगा रहता है, तो वो नोटेशन हो जाता है वेक्टर का। उसके बाद आते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। यहाँ सब वेक्टर की कहानी स्टार्ट हो गई है यहाँ से। तो दो वेक्टर्स को हम इक्वल कब कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय ए रियल नंबर। एक वेक्टर को अगर रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा। देन आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड करना और वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, ये आपको ऑपरेशंस करने हैं वेक्टर्स के ऊपर। अब हम आते हैं नीचे, वो है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी को मान लो अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरी वेलोसिटी से। ठीक है, जैसे मान लो एक कार जो है 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक है, 20 की स्पीड से चल रही है, दूसरी कार हमारी 60 की स्पीड से चल रही है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल चल रही है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जिसकी स्पीड ज़्यादा है दैट मीन्स वो 40 की वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, क्योंकि 60 माइनस 20 आ गया 40। ठीक है, इस तरह से। देन यूनिट वेक्टर क्या होता है, अब आपने देखा होगा आई जे के। ठीक है, ये हमारे तीन डायरेक्शन में मतलब एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में हमारे यूनिट वेक्टर रहते हैं, उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, उस टाइप का रहता है सिस्टम में। देन आता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर्स को डिजोल्व करना। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिजोल्व कर सकते हैं, अब जैसे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ठीक, तो रिजोल्व कैसे करेंगे हम इन ए प्लेन। तो प्लेन की बात हो रही है तो एक्स और वाई की बात ही होगी, अगर स्पेस की बात होगी तो एक्स वाई और जेड में हो सकती है। तो यहाँ पर आता है रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो प्लेन की बात हो रही है इसलिए रेक्टेंगुलर बना के हम रिजोल्व करेंगे। देन रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट मतलब कॉम्पोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड कॉम्पोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। देन यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वेक्टर्स में, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा नाम होता है इसका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, एक वेक्टर एक उसको हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं जब दूसरे वेक्टर के साथ। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। एक दूसरा हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को भी आपको स्टडी करना है यहाँ, मतलब ये सारा मैथमेटिक्स ही एक्चुअली, वेक्टर्स जितने भी आप स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स में करते हैं स्टडी। उसके बाद आता है मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है मोशन इन अ प्लेन। इससे पहले आपने वेक्टर्स की कहानी की अभी तक, मतलब आपका एक बेस बन गया, जैसे वहाँ पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बेस बना था।
तो मोशन इन अ प्लेन में हमारे पास तो फर्स्ट वो है केसेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, केसेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम बात जो कर रहे हैं ना प्लेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर लाइन की बात की थी, तो यहाँ पर दो केस लेने आपने, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, दूसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस लेने आपने यहाँ पर। देन यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, मान लीजिए एक मिसाइल है, ठीक है, आप एक मिसाइल छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, मिसाइल ऊपर जाएगी पहले फिर नीचे आएगी, लेकिन साथ साथ वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे कवर करती है ना, तो वो एक प्लेन के अंदर जा रही है, एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर मिसाइल जा रही है, ठीक है, तो उस टाइप का मोशन क्या हो जाएगा, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल का मोशन मोशन इन अ प्लेन हुआ। देन आ गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब मान लीजिए आप एक गोला लेते हैं, धागे के साथ बांधते हैं और एक प्लेन के अंदर उसको घुमाते चलते हैं, ठीक है, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से घुमा रहे हैं आप, तो वो क्या आ गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर आप सिंगल एक वेलोसिटी से घुमाएंगे ना तब यूनिफॉर्म रहेगा, नहीं तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इस टाइप का आपका सिस्टम रहता है। अब हम आए थे यूनिट नंबर 3 के ऊपर, तो यहाँ पर क्या है, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन के नियम, ठीक है, मोशन के नियम। अब मोशन के नियम किसने दिए थे, लॉज ऑफ मोशन, तो यहाँ पर सबसे पहला आया था हमारे पास चैप्टर नंबर 5, इसी का इसका नाम भी लॉज ऑफ मोशन ही है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इंट्यूटिव, ठीक है, इंट्यूशन से बना इंट्यूटिव, ठीक है, कुछ नहीं है इसका, इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब न्यूटन के सिर के ऊपर वो गिरा था ना, सेब गिरा था, एप्पल गिरा था, ठीक है, तो वो बेस था एक तरह से, अब इंट्यूटिव इंट्यूशन। ठीक है, उसके बाद आता है इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर शायद आपने पढ़ा होगा। तो मान लीजिए आप किसी चीज़ को धक्का मारते हैं तो वो चीज़ जो है हिलती नहीं है ना, जब तक आप पूरे इनर्शिया को ओवरकम नहीं कर लेते। ठीक है, तो हर एक जो बॉडी है ना, कोई भी सिस्टम है, बॉडी है, वो क्या रहेगा, वो अगर स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहना चाहेगा, अगर मोशन है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। ठीक है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया। अब बहुत भारी संदूक है, ठीक है, आप उसको हिलाना चाहते हो तो हिलता नहीं ना, अब ट्रक को धक्का मार के देखो नहीं हिलता ना, तो वो क्या इनर्शिया है। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा पहलवान, आप 20 लोग लग जाओ धक्का मार लोगे, दैट मीन्स आपने इनर्शिया को ओवरकम कर लिया उसके। देन न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, तो न्यूटन्स पहला क्या आ गया आपके पास, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन लॉ पढ़ भी चुके होंगे आप। देन इसमें आ जाता है मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो मोमेंटम बन जाता है। उसके बाद आता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए था, एफ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। अब यहाँ पर इम्पल्स एक और आगे टर्म, तो इम्पल्स क्या है, अगर फोर्स को आप टाइम से मल्टीप्लाई करते तो इम्पल्स निकाल सकते हैं, या फिर आप अगर मोमेंटम की टर्म्स में निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो, तो वहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dp बाई dt, ठीक है, देन dt उस फॉर्म में भी निकल जाता है मोमेंटम। देन आ जाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो तीसरा लॉ भी आ गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिकैप्चुलेशन वगैरह, ये मतलब पुरान जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसी का दोबारा से आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। देन आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मोमेंटम भी दो तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर मोमेंटम, दूसरा होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर का मतलब है कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा तो लीनियर मोमेंटम फॉलो करेंगे। ठीक है, और अगर मोशन हमारा रोटेशनल होगा, ठीक है, सर्कुलर होगा, तो हमारा रोटेशनल मोमेंटम या हमारा वाला मोमेंटम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम की बात है आपकी, तो लीनियर मोमेंटम जो है हमारा मास इंटू वेलोसिटी है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब है कि मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इट कैन चेंज इट्स फॉर्म, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। ठीक है, टोटल मोमेंटम हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, जितना पहले था उतना ही बाद में। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, मोमेंटम की एप्लीकेशंस क्या है, जैसे मान लीजिए
बंदूक से गोली निकली, ठीक है। तो बंदूक से जो गोली निकल रही है उसका मास भी है और वेलोसिटी भी है, ठीक है। और मान लीजिए एक आगे एक सिंपल पेंडलम आ गया, ठीक है, पेंडलम की बॉल है, उसके ऊपर आप उस गोली को मारते हो, तो गोली का जो मोमेंटम है वो कहाँ चला जाएगा, उसके जो पेंडलम की बॉल है उसको मूव कर देगा, ठीक है। तो उसका जो मास इंटू वेलोसिटी है वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, उस पेंडलम की मास इंटू वेलोसिटी में ट्रांसफर हो गया। अगर मान लो वो पेंडलम काफी ज्यादा मास का है तो वो हल्का सा मूव करके हट जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात हम क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए निशानेबाजी होती है, तो सामने दीवार है, ठीक है, दीवार में गोली मारी। अब दीवार में जब गोली मारी तो मोमेंटम कहाँ गया गोली का, ठीक है, वो दीवार ने ले लिया, ठीक है। दीवार के अंदर इतनी पावर है, उसकी मास इतना ज्यादा है कि उस पूरी की पूरी वेलोसिटी को एब्जॉर्ब कर गई वो, इस तरह से समझ सकते हैं। मतलब टोटल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब एक तरह से, इक्विलिब्रियम जब भी वर्ड आता है ना उसको बैलेंसिंग मान के चलो, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, ठीक है, कंकरेंट फोर्सेस, जो फोर्सेस एक उससे पास कर रहे हैं, एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, कंकरेंट फोर्सेस, ठीक है, उनका इक्विलिब्रियम। देन आता है स्टेटिक एंड काइनेटिक। स्टेटिक मैंने बताया था आपको कि स्टेटिक जो वर्ड है स्टेशनरी के लिए यूज होता है, मोशन जीरो है वहां पर। दूसरा क्या है काइनेटिक, काइनेटिक मतलब मोशन में है, ठीक है। यहाँ पर बात हम कर रहे हैं फ्रिक्शन की, ठीक है, फ्रिक्शन मतलब घर्षण। तो एफ इज इक्वल टू म्यू आर, इसका नियम होता है, आगे लाज आ गया ना, तो एफ इज फ्रिक्शन फोर्स, म्यू इज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, आर इज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन आपको पढ़ना है। अब फ्रिक्शन कई तरह के होते हैं, जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन लिखा है आपके सिलेबस में। तो रोलिंग फ्रिक्शन मतलब है कि कुछ चीज रोल कर रही है, जैसे मान लो एक बॉल है, ठीक है, बॉल हमारी रोल कर रही है फर्श के ऊपर, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन है। अब मान लीजिए गोल, उसका जो गोल है, ठीक है, जो बॉल है वो तो गोल है ना, स्फीयर है वो, तो उसकी जगह मान लो कोई रेक्टेंगुलर पीस होगा तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सके, ताकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम हो जाए, ठीक है। जितने भी आपके बेरिंग है, बेरिंग सारे हमारे ज़्यादातर वो रोलिंग फ्रिक्शन पे ही काम करते हैं। अब उसके अंदर लुब्रिकेशन आ गया, तो फ्रिक्शन का चैप्टर जब भी होगा तो लुब्रिकेशन का साथ में रहेगा, क्योंकि जो लुब्रिकेंट है वो क्या करता है, एक लेयर बना देता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है, ठीक है। अब आप लुब्रिकेशन का अगर एग्जाम्पल लेते हो, जितने भी आपके टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, आप इसकी सर्विस कराने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, ऑयलिंग ग्रीसिंग, ठीक है, ऑयल चेंज करते हैं ना, तो ऑयलिंग ऑयलिंग क्या करते हैं, लुब्रिकेशन करती है, ठीक है। आप पंखे में भी देखो, ठीक है, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीस है, ऑयल है, ये सब क्या है, लुब्रिकेंट्स है। देन आता है हमारे पास डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड्स पे जाएंगे हम, तो पहली बात क्या है, मोशन कैसा सर्कुलर है, ठीक है। दूसरा क्या है, कंस्टेंट डाल दिया यूनिफॉर्म का, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और उसके बाद क्या है, उसके डायनेमिक्स को स्टडी करना है हमने, काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स को स्टडी करना है, डायनेमिक्स मतलब मोशन के साथ साथ उसका फोर्स को भी स्टडी करना है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम उसी लॉजिक से चलेंगे ना, यहाँ पर जो पहली टर्म आ गई सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। अब दो तरह के हमारे पास रहते हैं फोर्सेस यहाँ पर, एक होता है सेंट्रीपेटल, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीपेटल हमेशा आउटवर्ड रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल इनवर्ड रहेगा, ठीक है। मान लीजिए आप एक स्फीयर लेते हैं, अच्छा खासा स्फीयर, ठीक है, और उसको एक रस्सी से बांध लेते हैं, हुक लगा हुआ है, रस्सी से बांध लेते हैं और उसको घुमाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब घुमाएंगे आप उसको तो एक पॉइंट पे छोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएगा, बहुत दूर जाएगा ना, ठीक है। इस तरह की गेम भी होती है, तो वो क्यों जाता है, वो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कारण वो चला जाता है दूर। तब सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल दो तरह के हमारे पास फोर्सेस हैं, ठीक है। सेंट्रीपेटल हमेशा हमारा हमारा क्या रहेगा, इनवर्ट रहेगा, और सेंट्रीफ्यूगल हमारा आउटवर्ट रहेगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब सेंट्रीपेटल का एग्जांपल है, जैसे मान लो जितने भी हमारे पास जो हमारा जैसे प्लैनेट्स रहते हैं, सन के अराउंड चल रहे हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास जैसे चांद है, मून है, वो अर्थ के अराउंड चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण चलते हैं, इनवर्ट चलते हैं ना,
वो से इनवर्ड इनवर्ड लग रहा है यहाँ पर, तो ठीक है वहां पर क्या था आउटवर्ड लगता था। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप भी होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप भी होते हैं, उसमें भी यही काम होता है बाहर की तरफ का। एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है यहाँ पर आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर बस सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, तो आपके सिलेबस में इसने क्या लिखा, सेंट्रीपिटल ही लिखा है, फ्यूगल लिखा भी नहीं है, ठीक है। तो आप सेंट्रीपिटल का कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ देखिए ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड, ठीक है। तो यहाँ पर मोशन अभी हम आपके जो सिलेबस में इसने डाला है ना, लेवल सर्कुलर रोड, तो आपको कंपेयर करने हैं दो तरह के मोशन। एक तो लेवल सर्कुलर रोड है, लेवल मतलब प्लेन है बिल्कुल, ठीक है। प्लेन अगर रोड है और उसमें सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, प्लेन रोड के ऊपर सर्कुलर मोशन मतलब एक सर्कल के अलावा कोई गाड़ी चल रही है, जो हमारी रोड है वो क्या है, प्लेन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल। और उसको कंपेयर करना है हमने दूसरी तरफ बैंक्ड रोड के साथ। अब बैंक्ड रोड क्या होती है, ये कोई वो वाला बैंक नहीं है, स्टेट बैंक या पीएनबी वगैरह वाला बैंक नहीं है। बैंक्ड रोड का मतलब है कि रोड जो है ना, रोड जिस तरफ हमारा घुमाव होगा, ठीक है, आपने देखा भी होगा, तो रोड को बाहर की तरफ से एलिवेट कर देते हैं, ऊपर उठा देते हैं हल्का सा, और अंदर की तरफ से नीचे कर देते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो बैंकिंग ऑफ रोड का जो रीज़न है वो ये होता है कि जब भी रोड घूमती है, मतलब स्टेयरिंग आप घुमाते हैं गाड़ी का, ठीक है, तो आप बाहर की तरफ ना जाएं, हमेशा अंदर की तरफ आए, नहीं तो एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं, ठीक है। जब भी टर्न आता है तो टर्न में बैंकिंग जरूर मिलेगी आपको रोड के ऊपर, मतलब बाहर की तरफ से थोड़ा सा ऊपर उठी रहती है रोड और अंदर की तरफ से नीचे की तरफ उठती है, ठीक है। एक मौत का कुआं करके जो खेल होता है मेलों वगैरह में देखा हो कभी, तो उसमें भी ये बैंकिंग का सिस्टम पूरा रहता है। उसके बाद आते हैं हम यूनिट नंबर फोर। तो यूनिट नंबर फोर में हमारे पास है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी एंड पावर के अंदर हमने क्या पढ़ना है, वर्क डन होता क्या है, ठीक है, कौन करता है वर्क डन को, फोर्स करेगा वर्क डन को, ठीक है। तो वर्क डन में दो फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, एक है फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो वर्क डन विल बी जीरो, ठीक है। फोर्स अप्लाइड हो और डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों चीजें चाहिए हमें, तभी वर्क डन होगा, ठीक है। अब वर्क डन के यूनिट्स क्या होते हैं, जूल होते हैं, एसआई यूनिट इसके। सिमिलरली एनर्जी क्या है, अब एनर्जी है कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। अब कई तरह की एनर्जी होते हैं हमारे पास, जैसे अब यहाँ पर जो मोशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। देन आया था पावर। तो पावर क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दो। तो पावर के यूनिट्स क्या होते हैं, जूल पर सेकेंड, जिसको हम वाट बोल देते हैं। तो इस तरह से आपको बेसिक समझना पड़ेगा पहले तीनों क्वांटिटीज का। तो बेसिक मैंने बता दिया आपको, ये 9th-10th से स्टार्ट होते हैं बेसिक इसके। तो यूनिट्स के हिसाब से चलते हैं तो काम ईजी हो जाता है। तो यहाँ देखिए वर्क डन बाई ए, ठीक है, वर्क डन बाय ए कॉन्स्टेंट फोर्स। इसका मीनिंग ये है कि फोर्स हमेशा हमारा कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि फोर्स कॉन्स्टेंट है, फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एज्यूम करके चल रहे हैं कि फोर्स कॉन्स्टेंट है। एंड ए वेरिएबल फोर्स, ठीक है, दोनों केस ले लिए, पहला है कॉन्स्टेंट और दूसरा है वेरिएबल, ठीक है। अब मान लो फोर्स ही वेरिएबल हो गया, ठीक है, तो जो वर्क है हमारा, वर्क भी वेरिएबल हो जाएगा अगर जो डिस्प्लेसमेंट है कॉन्स्टेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट है, फोर्स वेरिएबल है, तो वर्क भी वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से समझ सकते हैं हम। देन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन, हाफ एम वी स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, एम इज मास, वी इज वेलोसिटी। देन है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क और एनर्जी का आपस में क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, वो सब इस थ्योरम में पढ़ते हैं हम। देन आए थे हमारे पास पावर। तो पावर मैंने बता दिया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। देन आए थे हमारे पास नोशन। नोशन नोशन मतलब नोटेशन टाइप का रहेगा, ठीक है। नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच है, ठीक है, ड्यू टू पोजिशन होती है, एनर्जी ड्यू टू पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच। एम मास हो गया, जी हमारा ग्रेविटी हो गई, और एच हमारी हाइट हो गई। देन आए थे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, ठीक है, एंड स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी का क्या मीनिंग है, क्या आपने देखा होगा स्प्रिंग को जब दबाते हैं तो वो वापस आता है ना। जैसे मान लो स्प्रिंग वाले जूते भी कहते थे पहले, कि स्प्रिंग वाले जूते हैं, जूतों के नीचे स्प्रिंग लगे हुए हैं, ठीक है, वो उसमें दिखाते थे ना
कि वो एक बार नीचे जाता था और फिर उड़ने लग जाता था स्प्रिंग वाले जूते पहन के। तो वो सब क्या है कि जो स्प्रिंग है वो वापस बैक मारता है ना, ठीक है, तो बैक क्यों मारता है, वो टेंशन एनर्जी को सेव कर लेता है, एक बार स्टोर कर लेता है, फिर उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। स्प्रिंग का काम ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेगा फिर काइनेटिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, इस टाइप का रहता है स्प्रिंग का काम। देन आता है हमारे पास कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब जो फोर्सेस वापस ले आते हैं, कंजर्व रहते हैं वो। देन आता है कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो फॉर्म बदल लेगी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाएगी लेकिन वो कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, इस टाइप का रहता है इसमें। नाउ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ठीक है, फॉर्म्स कौन कौन से में आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल में, मतलब पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, इस तरह से। अब सिंपल पेंडलम में भी हम देख सकते हैं, स्प्रिंग में भी देख सकते हैं ये चीज़। तो सिंपल पेंडलम के एग्जांपल से बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आती है। अब जैसे मान लीजिए पेंडलम है, पेंडलम क्या होता है, एक पेंडलम में हम एक रस्सी ले लेते हैं या एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, नीचे एक गोला बांध देते हैं, स्फीयर बांध देते हैं उसके साथ, और स्फीयर को जब हम मीन पोजीशन पे लाते हैं तो मीन पोजीशन पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि मीन पोजीशन पे नीचे आ गया ना, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। तो जहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो स्टार्टिंग हमें अपने पेंडुलम की कहाँ से करनी पड़ती है, एक साइड से करनी पड़ती है, लेफ्ट से कर लो चाहे राइट से करो। तो लेफ्ट में एक्सट्रीम एंड पे ऊपर लेके जाते हैं, तो ऊपर लेके जाते हैं तो एच बढ़ जाता है, हाइट बढ़ जाती है, तो वहाँ पर एक्सट्रीम एंड पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम हो जाती है, वहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि हमने पकड़ा हुआ है उसको। लेकिन जैसे हम छोड़ेंगे तो वहाँ पर MGH कम होनी स्टार्ट हो जाएगी और हाफ MV² बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी हमारी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और मीन पोजीशन पे आते आते हमारे पास जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर वेलोसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है और दूसरी तरफ फिर MGH मैक्सिमम हो जाती है, और वहाँ पर एक्सट्रीम एंड पे फिर वो वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो इसका मतलब हाफ MV² वहाँ पर जीरो हो जाती है। तो ये है इंट्रैक्शन बिटवीन मैक्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। तो इस तरह से पेंडुलम चलता रहता है। अब पेंडुलम रुक क्यों जाता है, क्योंकि इस लॉ के हिसाब से पेंडुलम कभी भी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारी चेंज हो रही है, कंजर्वेशन तो तभी होगी ना, कभी रुकेगा नहीं वो, लेकिन वो रुकता है एयर के रेजिस्टेंस से, मतलब धीरे धीरे करके वो सारी एनर्जी एयर ले जाती है, वेस्ट कर देती है, क्योंकि एयर के अंदर ड्रैग फोर्स है, एयर क्या करती है ड्रैग कर लेती है उसको, ठीक है। और बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें हैं जो उसको खत्म कर देती हैं, जैसे फ्रिक्शन है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस है। अब मान लो आप कहोगे कि वैक्यूम में डाल दो उसको, वैक्यूम में तो चलता रहना चाहिए, हाँ वैक्यूम में वो ज्यादा देर चलेगा, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से फिर इनर्शिया, फ्रिक्शन, इन सब की वजह से फिर लास्ट में रुकना ही रुकना है उसने। देन आता है हमारे पास नॉन, ठीक है, नॉन कंजर्वेशन फोर्सेस। अभी आगे ना बात, कौन कौन से ऐसे फोर्सेज हैं जो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। देन आए थे हमारे पास मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है, अभी तक हमने बात की थी मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मान लो आप वर्टिकल सर्कल में घुमाना स्टार्ट कर दो किसी उसको, तो उस केस में वो कैसा मोशन होगा। देन आए थे इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन होता है टकराव। मान लो जैसे आप एक बॉल को दूसरे बॉल से टकराते हो, ठीक है, तो कोलिजन मतलब टकराव किस तरह का होगा, तो दो तरह के टकराव है, ठीक है, तो एक में तो होता है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, दूसरे में क्या रहता है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, जिसमें कांस्टेंट रहती है वो है इलास्टिक, जिसमें नहीं कांस्टेंट रहती वो उसमें है इनइलास्टिक, ठीक है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के साथ मोमेंटम का भी चक्कर है, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आपको चेक करना है कि मोमेंटम किस में कंजर्व रहेगा, किस में नहीं रहेगा, या दोनों में रहेगा या दोनों में नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं इस चीज़ को, इलास्टिक और इनइलास्टिक में डिफरेंस आपको करना है, ठीक है। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैंने बता दिया आपको इसमें। देन यूनिट नंबर 5 आया था हमारे पास, तो यूनिट नंबर 5 में मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ, ठीक है, पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या होती है, ठीक है, बॉडीज को हम या तो रिजिड कहेंगे या फ्लेक्सीबल कहेंगे, वैसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो रिजिड, रेजिस्टेंट और फ्लेक्सीबल, तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसकी शेप को हम बदल नहीं सकते, ठीक है, मान लो आपने एक लोहे का स्फीयर ले लिया, ठीक है, तो आप इसके साथ खेलते रहो उसकी शेप तो नहीं चेंज होगी, लेकिन
अब कोई ऐसा हथौड़ा भी हो सकता है ना जो उसकी भी शेप चेंज कर दे, ठीक है। तो रिजिड बॉडी मतलब तब तक वो रिजिड है जब उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स, ठीक है, वो सह सकती है अप्लाइड फोर्स को, ठीक है। तो रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर रिजिड बॉडी में किस तरह के मोशन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब रोटेशनल मोशन मतलब सर्कुलर मोशन टाइप का हो गया, ठीक है। पहले लीनियर मोशन था ना, अब यहाँ पर रोटेशनल मोशन है, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो हम नीचे पार्टिकल लेवल पे आ गए। पार्टिकल लेवल पे इसलिए आते हैं कि पार्टिकल ऐसे उसमें छोटे से छोटे उसमें चले जाओ कि आगे तोड़ नहीं ना पाओ उसको, ठीक है, पार्टिकल को। नहीं तो इसको समझना मुश्किल हो जाता है ना, तो बड़ी चीज होगी तो टूट जाएगी, लेकिन जो पहले ही टूटा हुआ है कितना पीस लोगे उसको तोड़ तोड़ के, कितना पार्टिकल लेवल तक ले जाओगे ना, तो वहां पर क्या होगा। देन है इसमें सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, दो पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है, एक एक सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल है, उसका हमने सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो वो कैसे निकालना है। देन आता है हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब मोमेंटम मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, एंड सेंटर ऑफ मास मोमेंट, सेंटर ऑफ मास मोमेंट। अब आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी, ठीक है। अब एक रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, मतलब उस मास का सेंटर कहां पे है। देन आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड, ठीक है, रिजिड बॉडी का जब हमने निकाल लिया, अब इसके एप्लीकेशन की तरह से इसको यूज कर लेंगे, यूनिफॉर्म रोड को, यूनिफॉर्म रोड के केस में हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, ठीक है। अब यूनिफॉर्म रोड जो है, रोड का मतलब क्या है कि छड़ है, ठीक है, छड़ में क्या होगा, सिलेंड्रिकल टाइप की रहती है छड़ जनरली, ठीक है, तो उसका हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। उसके बाद आता है मोमेंट, ठीक है, मोमेंटम नहीं है, मोमेंट है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, मोमेंट ऑफ ए फोर्स होता क्या है, ठीक है, एक फोर्स का मोमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट, ठीक है, तो टॉर्क जो है वो हमेशा क्या करेगा, वो रोटेशन करेगा, ठीक है, ट्विस्टिंग करेगा, रोटेशन करेगा टॉर्क, ठीक है। मोमेंट जो है वो बेंडिंग की तरफ जाते हैं, वैसे तो ट्विस्टिंग मोमेंट, टॉर्क को ट्विस्टिंग मोमेंट भी बोलते हैं हम, लेकिन मोमेंट जब अकेला होगा तो बेंडिंग की तरफ, मतलब मोमेंट क्या प्रोड्यूस करेगा, बेंडिंग प्रोड्यूस करेगा, बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं इसको, और जो टॉर्क है वो रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब ये देखिए मोमेंट ऑफ ए फोर्स आ गया, साथ में टॉर्क भी लिख दिया गया। देन आता है हमारे पास एंगुलर, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ऊपर हमने किया था लीनियर मोमेंटम, यहाँ पर आ गया एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास जो मोमेंटम का नाम है होता है वो है एंगुलर मोमेंटम। देन आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो जो लॉ हमारे लीनियर मोशन में हुए थे एप्लीकेबल, वही लॉ यहाँ पर रोटेशनल मोशन में भी एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर मोमेंटम का नाम बदल गया है एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पर इसकी भी एप्लीकेशन पढ़नी है आपने। उसके बाद आता है हमारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, ठीक है, रिजिड बॉडी मैंने बता ही दिया, जो डिफॉर्म ना हो, ठीक है, उनका इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर क्या है, रिजिड बॉडी, ठीक है, पहले तो रिजिड बॉडी है क्या, उसके बाद क्या है इसका रोटेशन एंड रिजिड बॉडी की रोटेशन एंड उसकी इक्वेशंस कौन कौन सी है, इक्वेशंस ऑफ, ठीक है, रोटेशनल मोशन। देन आता है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ, कंपेयर करना है किस किस को, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशंस, ठीक है, दोनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर क्या क्या कंपेयर करेंगे, इनकी क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं हम, जैसे वहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वहाँ पर लीनियर वेलोसिटी, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी, वहाँ लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन, या वहाँ लीनियर मोमेंटम, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम, इस टाइप की सारी क्वांटिटीज को आप कंपेयर करते जाओगे। देन आता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ठीक है, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। के क्या था, रेडियस ऑफ जायरेशन, तो यही बन गया, रेडियस ऑफ जायरेशन भी आ गया है। देन आता है हमारे पास वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आई निकालना है हमने अलग अलग उसके लिए, किस किस के लिए, सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, कुछ सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें आई निकालना है। उसके बाद आता है यूनिट नंबर सिक्स, तो यूनिट नंबर सिक्स जो है हमारा है ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में हमारे पास
चैप्टर का नाम है वो भी ग्रेविटेशन है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो क्या होता है, एफ इज इक्वल जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये हम नाइन्थ में पढ़ते आए हैं, ठीक है। जी क्या है, ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है, एम वन एक मास, एक बॉडी का मास, एम टू क्या है दूसरी बॉडी का मास, आर क्या है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये होता है हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब जैसे अर्थ और मून है, तो अर्थ और मून के बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स है, तो अर्थ का मास पता होगा, मून का मास पता होगा, इनका बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लो, जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट ही होती है, तो आप फोर्स निकाल सकते हो इस तरह से। देन आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी, जैसे अर्थ के ऊपर क्या है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो उसकी जो वेरिएशन है वो किस चीज़ के साथ होती है, हाइट के साथ। जैसे जैसे ऊपर हाइट हम बढ़ाते जाएंगे तो जी हमारा क्या होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, ठीक है, या डेप्थ में जा रहे हैं तो जी कम होगा ज़्यादा होगा, वो सब चीज़ का आपको वेरिएशन देखना है स्मॉल जी का। देन आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो हमारा कोई भी बॉडी है, जैसे अर्थ है मान लो, तो अर्थ भी तो खींच रही है ना, ठीक है, अर्थ भी तो खींच रही है, एम जी एच जब हम बोलते हैं तो जी क्या है, जे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। एंड इसके साथ आ जाता है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है, एनर्जी ले ली उसके बाद एनर्जी हटा दिया यहाँ पर पोटेंशियल खाली, देन एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अब मान लो कोई ऐसे वेलोसिटी जिससे हम अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए, ठीक है, तो वो कितनी होगी, तो उसकी कैलकुलेशन होती है पूरी पूरी, ठीक है। अब सैटेलाइट जाते हैं बाहर, या हमारे पास जो ये चंद्रयान वगैरह, ठीक है, ये निकलते ही हैं बाहर, तो बाहर कैसे निकलेंगे, एस्केप वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से हम बाहर निकल सकते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन है। देन है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसके ऑर्बिट में जाएंगे, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट, ठीक है। अब सैटेलाइट छोड़ते हैं ऊपर, वो घूमते रहते हैं ऑर्बिट्स में, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद है जियो स्टेशनरी। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट हो जाती है इनकी वेलोसिटी, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि स्टेशनरी हो गए, तो एक पर्टिकुलर हाइट है, एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर अगर उस ऑर्बिट में हम वहाँ रख दें उसको, तो वो क्या होगा, वो जियो स्टेशनरी हो जाएगा, तो उसकी कैलकुलेशन है कितनी हाइट पे वो जियो स्टेशनरी हो जाता है। तो ये हमारा टर्म वन का सिलेबस था, सिलेबस काफ़ी लंबा था, ऐसा नहीं है कि सिलेबस छोटा था। अब हम टर्म टू का सिलेबस देख लेते हैं, तो टर्म टू के सिलेबस में हमारे पास सबसे पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर है हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर 9 पर आ जाते हैं, तो देख लेते हैं मार्क्स का हिसाब किताब क्या है यहाँ पर। तो मार्क्स आप देखिए 23 मार्क्स के ये वाले यूनिट्स हैं सारे के सारे, ठीक है, 23 के बाद 12 मार्क्स के ये नीचे वाले हैं, तो ये देख लेते हैं 23 मार्क्स हमारे पास यूनिट नंबर 9 तक ही आया है, ठीक है, तो 6 यूनिट हो गए थे 7th 8th 9th, ठीक है, सीधा हिसाब है, तो 23 मार्क्स आपके मिल गए 7 8 9 को। अब 10th यूनिट हमारे पास जो है वो हमारा जाएगा 12 मार्क्स में, तो इस तरह से हमारे मार्क्स की कैलकुलेशन है, 23 प्लस 12 35 मार्क्स हमारे पास टोटल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट्स देख लेते हैं, यूनिट्स कौन कौन से कवर किए गए हैं यहाँ पर टर्म टू में। तो टर्म टू आपको मैं याद करा दूँ, टर्म टू में हमारे पास जो पेपर आना है वो सब्जेक्टिव टाइप आना है, तो यहाँ पर यूनिट नंबर जो है हमारा 7 से स्टार्ट किया गया है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, अब बल्क मैटर में क्या क्या शामिल है यहाँ पर ये देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, तो सॉलिड्स की कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। देन आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 10, तो चैप्टर नंबर 10 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तो फ्लूइड्स में हमारे लिक्विड्स प्लस गैसेस दोनों आती हैं, ठीक है, फ्लूइड्स का मतलब है जो फ्लो कर सके। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 11, तो चैप्टर नंबर 11 में हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे यहाँ पर। जहाँ थर्मल स्टार्ट हुआ वहाँ से देखिए नया यूनिट ड्राइव हो गया, वो है थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, मोशन हम पढ़ के आए ऊपर, ठीक है, थर्मल यहाँ पढ़ लिया, तो थर्मल और मोशन दोनों को मिलकर बन गया थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, तो थर्मो हो गया, ठीक है, डायनेमिक्स हो गया। देन हम आते हैं चैप्टर नंबर
ट्वेल्व पे। चैप्टर नंबर ट्वेल्व का नाम थर्मोडायनेमिक्स ही है। उसके बाद चैप्टर नंबर हमारे पास थर्टीन में यूनिट नंबर नाइन है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, बिहेवियर ऑफ, ठीक है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस। तो परफेक्ट गैसेस का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, ठीक है। वैसे तो देखिए परफेक्ट गैस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है जिसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। परफेक्ट गैस से ही हम रियल गैस की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। तो पहले परफेक्ट गैस हम मान लेंगे कि परफेक्ट गैस है हमारे पास, तो उसी से डेविएट होकर हम रियल गैसेस में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये पढ़ना है आपको। तो काइनेटिक पहले पता आपको वर्ड का मीनिंग क्या है, काइनेटिक का मतलब है कि मोशन, और फोर्स को स्टडी नहीं करते यहाँ पर, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो इसमें क्या रहेगा आपका, पार्टिकल्स का जो मोशन है उसको हम स्टडी कर लेंगे। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 यही है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देन हमारे पास आ जाता है यूनिट नंबर 10। तो यूनिट नंबर 10 में ऑसिलेटरी मोशन है हमारे पास। तो यहाँ पर ऑसिलेटरी आया, साथ में वेव्स डाल दिया गया, तो दो चैप्टर बना दिए। तो फर्स्ट है ऑसिलेशन और दूसरा है वेव्स। तो इस तरह से आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये भी 35 मार्क्स का आपका सेकेंड टर्म हो गया। अब हम डिटेल में देख लेते हैं इसमें जो चैप्टर्स हैं उस पर कंटेंट क्या क्या है। तो यूनिट नंबर जो है हमारे पास 7 है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो यहाँ पर पहला चैप्टर जो था चैप्टर नंबर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के अंदर कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में है, सबसे पहला है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप में स्ट्रेस क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो आप जब भी फोर्स अप्लाई करते हो किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी उस फोर्स को। तो जिस फोर्स से बॉडी रेजिस्ट करती है, ठीक है, पर यूनिट एरिया आपको लेना है, वो है स्ट्रेस। और दूसरा क्या है, स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमेशा जो स्ट्रेस रहेगा वाई एक्सिस पर रहेगा, स्ट्रेन हमारा जो है एक्स एक्सिस पर रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हमारा हुक्स लॉ बनता है। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अब स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है, वैसे तो तीन कॉन्स्टेंट आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपके सिलेबस में दो ही कॉन्स्टेंट जो दिए गए हैं, पहला है यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं हम इसको, ई से इसका सिंबल रहता है। तो ई की वैल्यू क्या रहती है, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। उसके बाद दूसरा जो आपके पास कांस्टेंट है जो आपके सिलेबस में है, बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस में हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम रहेगा। तो वहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रहेगी, ठीक है। वहां पर जो था यंग्स मॉडुलस में लीनियर स्ट्रेस डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन था। तो ये डिफरेंस है इन दोनों कांस्टेंट्स में। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 10 हमारे पास है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो यहाँ पर लिक्विड्स और गैसेस की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उनको हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला है प्रेशर, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड कॉलम। अब कॉलम किस प्रकार का नाम है, देखिए कॉलम जब भी हम वर्ड यूज करते हैं तो ये मान के चलो कि आपके पास एक पाइप है जैसे, ठीक है, एक वर्टिकल पाइप है। वर्टिकल पाइप के अंदर आपने लिक्विड भर दिया, ठीक है, तो जो लिक्विड है वो जो प्रेशर जनरेट करेगा वो कहाँ करेगा, नीचे की तरफ करेगा, कि ग्रेविटी है नीचे की तरफ, ठीक है, तो वो है हमारा प्रेशर। तो प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड कॉलम। उसके बाद है प्रेशर, ठीक है, पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है, पास्कल्स लॉ ये कहता है कि जो भी प्रेशर होगा वो इक्वल होगा सभी डायरेक्शन में, ठीक है, सभी डायरेक्शन में इक्वल होगा जो भी प्रेशर होगा। तो यहाँ पर इसके आगे एप्लीकेशन हैं, ठीक है, इसके एप्लीकेशन आपके जो सिलेबस में एप्लीकेशन है वो दो ही हैं। पहला है हाइड्रोलिक लिफ्ट और दूसरा है हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम फ्लूड प्रेशर की वजह से लिफ्ट करते हैं किसी चीज को, ठीक है। और हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या रहेगा, जैसे गाड़ियां हैं तो गाड़ियों में जो ब्रेक लगती है, ठीक है, आजकल हाइड्रोलिक ब्रेक लगने लगी, तो इसमें अंदर क्या रहता है, हाई विस्कस फ्लूड रहता है, ठीक है। तो फ्लूड जो है वो प्रेशराइज करता है ब्रेक को, वो ब्रेक लग जाती है। तो इस टाइप का सिस्टम है यहाँ पर। उसके बाद आता है हमारे पास विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हिंदी में बोले तो चिपचिपापन रहती है, ठीक है। अब देखिए कुछ फ्लूड जो होते हैं उनके विस्कोसिटी ज्यादा होती है, चिपचिपापन ज्यादा रहता है उसमें, जैसे ग्रीस वगैरह है तो ग्रीस में चिपचिपापन रहता है। और इसी के साथ है आपका स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ जो है, स्टोक्स लॉ ड्रैग फोर्स से रिलेटेड है, ठीक है। मान लीजिए एक अपने पाइप ली, उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ऊपर से एक स्फीयर छोड़ दिया। अब वो जो स्फीयर है ऊपर से नीचे आएगा ग्रेविटी के कारण, लेकिन जो फ्लूड का जो ड्रैग फोर्स है उसको रोकेगा नीचे आने से। अब वो जो फोर्स है, जो ड्रैग फोर्स है, उसकी जो वैल्यू होगी किस पर डिपेंड करेगी, एक तो रेडियस ऑफ जो आपका स्फीयर है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक फ्लूड की विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, और एक वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी जिस वेलोसिटी से वो स्फीयर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो
इस पर बेस था स्टोक्स लॉ। इसके बाद आए थे टर्मिनल वेलोसिटी, देन आए थे हमारे पास स्टीम लाइन एंड, दो तरह के हमारे पास फ्लो रहते हैं, स्टीम लाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, स्टीम लाइन वो फ्लो मतलब सीधी लाइन में बिल्कुल स्टीम लाइन चल रहा है, टर्बुलेंट मतलब उसके अंदर बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आ गई है, तो इस तरह समझ सकते हैं आप टर्बुलेंट फ्लो को। देन आता है हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम। अब बर्नौलीज ने क्या एक थ्योरम दी थी, बर्नौली कहता था कि तीन तरह के हमारे पास एनर्जी रहती है, एक है प्रेशर एनर्जी, ठीक है, दूसरा है वेलोसिटी एनर्जी, ठीक है, और तीसरा है पोजिशन एनर्जी। तो इनको अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, और कैसे ऐड करना है इनको, प्रेशर के यूनिट्स में ऐड कर देंगे तो वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, दैट मींस एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट के ऊपर किसी भी फ्लूड में, चाहे कोई भी बह रहा है फ्लूड, ठीक है, तो ये तीनों एनर्जीज का जो सम है, ठीक है, वो प्रेशर के फॉर्म में वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये थी बर्नौलीज थ्योरम। तो इसकी हेल्प से हम बहुत सारे फ्लूड की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है बर्नौलीज थ्योरम की, जितने पंप है, टर्बाइन है, ठीक है, ये सब इस पर बेस्ड रहते हैं, इनकी डिजाइनिंग वगैरह सब इस पर बेस्ड रहते हैं, कंप्रेसर हो गए, देन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। अब सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, तो ये भी हमारी लिक्विड्स की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी रहता है लिक्विड और गैसेज दोनों में, जैसे मान लीजिए एक कैपिलरी है, कैपिलरी राइज है, ठीक है, इस वजह से हो जाता है ये, और इसके साथ ही हमारे पास जो टर्म्स एसोसिएटेड विद सरफेस टेंशन है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ये टर्म, ये सारे के सारे सरफेस टेंशन के साथ ही एसोसिएटेड चीज़ें हैं। देन एक्सेस ऑफ प्रेशर है, ठीक है, अक्रॉस कर्व सरफेस, ये भी सारा इससे रिलेटेड है। देन यहाँ पे एप्लीकेशन में इसमें एक तो आता है सोप का जो बबल बनता है वो एप्लीकेशन आती है इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स काम करना पड़ेगा, ठीक है, आपको डेरिवेशन भी करनी पड़ सकती है, ठीक है, ड्रॉप है, बबल है, इन सब पे आपको कैपिलरी है, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी राइज, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी आता है। देन आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 जो है थर्मल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। अब थर्मल प्रॉपर्टीज किस चीज़ की है, मैटर की है, ठीक है, मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, तो ऊपर भी हम थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स का देखा था सिस्टम, तो यहाँ पर क्या है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो एक्चुअली यहाँ पर क्या है, ये हमारा हीट का फ्लो है, ठीक है, हीट कैसे फ्लो करेगी एक जगह से दूसरी जगह पे, सबसे पहले देखिए हीट होती क्या है, ठीक है, तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट को फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है, दूसरा क्या है टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर तो हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, हीट क्या है एनर्जी की फॉर्म है और टेम्परेचर हमारी प्रॉपर्टी है, तो टेम्परेचर क्या मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर करता है कोल्डनेस या हॉटनेस को, टेम्परेचर इज ए प्रॉपर्टी विच मेजर्स कोल्डनेस और हॉटनेस, ठीक है, तो जैसे आपको बुखार होता है मान लो, तो आप क्या करते हैं थर्मोमीटर से टेम्परेचर मापते हो, तो उस तरह से समझ लो आपकी जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी की आप कोल्डनेस या हॉटनेस को मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो नॉर्मली तो 98.4 रहता है सामने, ठीक है, अगर मान लो बुखार होगा तो ज़्यादा होगा, तो आपने क्या मेजर कर लिया, हॉटनेस मेजर कर लिया अपनी बॉडी की, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। देन आता है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन, देखिए ये जो जितने भी इटैलिक्स में लिखे गए हैं इसका मतलब ये मान के चल रहे हैं कि ये सब कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है और आपको इसको रिकैप्चुलेट करना है सिर्फ, ठीक है, अब थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि मान लीजिए एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में हमने क्या किया, एक स्पार्क दे दिया, तो स्पार्क देने से जो पिस्टन की मूवमेंट आउटवर्ड होगी उसको बोलेंगे हम थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। देन आता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, तो यहाँ पर सॉलिड्स की थर्मल एक्सपेंशन, इसका मीनिंग यह है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम किसी सॉलिड का, तो वो जो सॉलिड होगा एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है, जैसे मान लो इसका आसान सा एग्जांपल क्या आता है, जैसे रेलवे लाइन है, तो गर्मी में क्या होती है एक्सपेंड हो जाती है, तो उसमें बीच में गैप रखते हैं ना, तो वो सॉलिड्स के केस में आप ले सकते हैं। इसी तरह लिक्विड्स का भी, लिक्विड्स का तो बहुत आसान तरीका है, ठीक है, जैसे मान लो आप पानी गर्म करते हो, पानी गर्म करते हो किसी पैन में, ठीक है, तो वो लिक्विड क्या होता है एक्सपेंड होता है, आप उसके ऊपर ढक्कन रखोगे तो वो गिर जाएगा ढक्कन, ठीक है। एंड तीसरा क्या गैसेस है, तो गैसेस भी एक्सपेंड करती हैं, ठीक है, गैसेस को भी आप जब गर्म करोगे इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो भी एक्सपेंड कर जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सपेंशन
सस्पेंशन का हो गया आपके पास, उसके बाद है वाटर का केस लिया, स्पेसिफिक केस किया है, लिया है लिक्विड में वाटर का, ठीक है। देन आता है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सीपीसीवी, सीपीसीवी का मीनिंग क्या है, तो स्पेसिफिक हीट पहले पता होनी चाहिए, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो एम सी पी डेल्टा टी का रिलेशन आपने पढ़ा होगा, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो m तो मास होता है, c हमारी स्पेसिफिक हीट होती है, डेल्टा टी हमारा चेंज इन टेम्परेचर होता है। अब इसके दो टाइप्स हैं स्पेसिफिक हीट के, एक तो होती है कॉन्स्टेंट प्रेशर और दूसरा होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो आपने एक रिलेशन ये भी पढ़ा हुआ, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो है आर के बराबर, इस तरह से रिलेशन बनता है। इसी तरह से एक रिलेशन होता है यहाँ पर, सी पी डिवाइड बाई सी बी इज इक्वल टू गामा। देन आता है हमारे पास कैलोरीमीटरी। अब कैलोरीमीटरी क्या है, ठीक है, कैलोरीमीटर, कैलोरी पहले तो यूनिट देखो किसका है, कैलोरी है यूनिट हमारा हीट का, ठीक है, हीट। तो उसको मेजर करना है, दैट मींस हीट एनर्जी को हम मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कैलोरीमीटरी पूरा पर कैलोरीमीटर होते हैं। देन आता है हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट का मीनिंग यह है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, पहले तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, देन लिक्विड से गैस होगा। तो यहाँ पर जो है फ्यूजन है, वेपराइजेशन है, ये सब चेंज ऑफ स्टेट है। अब उसमें कितनी आपको हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उन सबको बोलते हैं हम, जैसे अब लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट, या हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो इस टाइप की हीट एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, तो ये सब टर्म्स यहाँ पर आ जाती हैं। देन आता है हमारे पास हीट ट्रांसफर, ठीक है, हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर का मीनिंग यह है, हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर कैसे जाती है। तो तीन मोड रहते हैं इसमें, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन कहाँ पर होगा, जैसे मान लीजिए मेटल्स है, मेटल्स के केस में आप एक लोहे की छड़ लो, एक तरफ से गर्म करना स्टार्ट करो, थोड़ी देर में आपके हाथ तक वो गर्मी पहुँच जाएगी, ठीक है, तो वो क्या है, कंडक्शन से हो रहा है। या आप खाली पतीला लो, गैस पर रखो, ठीक है, एकदम गर्म हो जाएगा, तो क्या हो रहा है, कन्वेक्शन से हो रहा है। अब मान लीजिए दूसरा क्या है, कन्वेक्शन। अब पतीले में पानी भरा, ठीक है, धीरे 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 करके पानी गर्म होना स्टार्ट होगा, तो जो पानी गर्म हो रहा है पतीले के अंदर, वो क्या है, कन्वेक्शन है, ठीक है। तो धीरे धीरे उबलना स्टार्ट होता है, दैट मीन्स वो नीचे से स्टार्ट होता है और ऊपर तक उबलता जाता है। उसके बाद तीसरा है रेडिएशन का मोड। तो रेडिएशन में क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रेवल तो करेगी, लेकिन उसको मीडिया की जरूरत नहीं होगी, बीच में चाहे मान लो वैक्यूम भी हो तब भी वो पहुंच जाएगी, जैसे सन से अर्थ तक आती है हीट, ठीक है, तो वो रेडिएशन के थ्रू आ रही है, उसमें कोई मीडिया नहीं है, बीच में वैक्यूम भी है। तो यहाँ पर तीन हमारे पास रह गए सिस्टम हमारे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब इस पर आगे बेस्ड लॉज है। सबसे पहला रिकैप्चुलेशन लिखा हुआ है, ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये सब कुछ पता है। देन है हमारे पास थर्मल, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या चीज है, ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉ होता है के ए डी टी अपॉन डी एक्स, ये हमारा थर्मल कंडक्टिविटी का लॉ है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट आपने करना है सिर्फ, मतलब आपको क्वांटिटेटिव करना ही नहीं है इसमें। तो आपके सिलेबस में जो चीज है वो देखनी है आपने। तो सबसे पहला ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है, ठीक है, तो एनर्जी एमिटिंग क्या होती है, एनर्जी अब्सॉर्बिंग क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग क्या होती है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर, सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन होगा, सबसे अच्छा एमिटर कौन होगा, सबसे अच्छा एब्जॉर्बर कौन होगा, ये सब आपको यहाँ पर करना है। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है, वेन्स डिस्प्लेस, वेन ने एक लॉ दिया था। तो वेन क्या कहता है कि जो हमारी वेवलेंथ है, ठीक है, तो वेवलेंथ जो है, जिस वेवलेंथ पर एनर्जी हमारी मैक्सिमम ट्रांसफर होगी, दैट वेवलेंथ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये वेन्स ने एक लॉ दे दिया था। इसी तरह स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स ने भी लॉ दिया था। तो स्टीफन्स लॉ कहता है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, इसने रिलेशन किस किस में दे दिया, एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है, उसने दिया था हमारा वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में। तो ये दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपने अपने लॉज दिए इसमें। तीसरा क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या रहता है, मान लीजिए
आप एक कमरा लेते हैं, कोई कमरा है हमारा या कोई भी हमारा शीशे का वो है, ठीक है, तो एनर्जी आ तो जाएगी, हीट एनर्जी अंदर, लेकिन वो एंट्रैप हो जाएगी, ठीक है। तो एंट्रैप होने से क्या होगा, बाहर नहीं जा पाएगी। अब अर्थ के ऊपर भी ग्रीन हाउस इफेक्ट कई बार लागू होता है। जैसे मान लीजिए हमारा पोल्यूशन आ जाता है, सारा पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, तो एक लेयर हो जाती है, तो एनर्जी अंदर तो आ जाएगी हीट एनर्जी, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगी, जिससे गर्मी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट था। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके सिलेबस में। तो यहाँ पर हम पहुँच गए यूनिट नंबर 8 के ऊपर। तो यूनिट नंबर 8 पे थर्मोडाइनमिक्स है। तो थर्मोडाइनमिक्स में हम देखते हैं क्या है सिलेबस में। तो सबसे पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या होता है थर्मल इक्विलिब्रियम? तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम रहते हैं यहाँ पर, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल। तो यहाँ आपके सिलेबस में थर्मल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट, ठीक है। एंड उसके बाद डेफिनेशन है, कुछ एक डेफिनेशन आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। किस चीज़ की डेफिनेशन है? टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन मैंने बताई दी थी आपकी, ठीक है। टेम्परेचर क्या करता है? प्रॉपर्टी है जो हीट, कोल्डनेस या हॉटनेस को मेजर करता है। दूसरा क्या है यहाँ पर? अब यहाँ पर जो लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, ठीक है, तो थर्मोडाइनमिक्स में चार लॉज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तीन तो लॉ ये हो गए। उसके बाद ये जीरोथ लॉ आ गया। तो जीरोथ लॉ ज़्यादा फंडामेंटल था, इसलिए इसका नाम जीरोथ लॉ रख दिया गया, ठीक है। तो चारों लॉज आपको पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद आते हैं हमारे पास लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, ये तो हो गया आपका। देन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेसेस। अब ये क्या है? प्रोसेसेस का नाम है, दो तरह के प्रोसेसेस हैं। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब ये है कि जो प्रोसेसेस हम कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर कैरी आउट करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। और एडियाबेटिक में क्या होगा? एडियाबेटिक में होगा कि आपका कोई भी हीट चेंज नहीं होगा, क्यू रिमेंस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो एडियाबेटिक में क्यू रिमेंस कॉन्स्टेंट और आइसोथर्मल में टी रिमेंस कॉन्स्टेंट। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आ गया, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेसेस। अब इनमें भी डिफरेंस आ जाता है, कौन सी प्रोसेस रिवर्सिबल रहेगी और कौन सी प्रोसेस इररिवर्सिबल रहेगी। मान लीजिए एक ऐसी प्रोसेस है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है, ठीक है। हम जैसे मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच गई, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आप टेम्परेचर घटाते हो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो वापस आ जानी चाहिए उसी पाथ को फॉलो करते हुए, तब तो कहेंगे हम रिवर्सिबल। और अगर वो वापस नहीं आती है, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम इररिवर्सिबल, ठीक है। मान लीजिए इसका मीनिंग ये है कि कंडीशन रिवर्स करने पर जो पाथ, जो प्रोसेस वापस आ जाती है अपने ओरिजिनल पॉइंट के ऊपर, तो उसको तो कहेंगे रिवर्सिबल, और जो नहीं आएगी उसको बोलेंगे इररिवर्सिबल। अब आते हैं यूनिट नंबर 9 के ऊपर। तो यहाँ है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। परफेक्ट गैसेस, जैसे मैंने बताया था कि परफेक्ट गैस होती तो नहीं है, ठीक है, आइडियल गैस परफेक्ट गैस बोलते हैं ना, लेकिन रियल गैसेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल पहले सिचुएशन ले लेते हैं, जिसमें हम एक ऐसी गैस को मान लेते हैं जो परफेक्ट है, आइडियल है, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। काइनेटिक का मीनिंग पहले बताया था, मतलब मोशन हो गई होगा। काइनेटिक जब भी वर्ड आता है दैट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू मोशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो मोशन है वो किस चीज़ का है, वो हम अंदर स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफपरफेक्ट गैस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस। तो परफेक्ट गैस के अंदर जो स्टेट होगी वो कैसी होगी, ठीक है। तो स्टेट का मीनिंग क्या होता है? स्टेट का मीनिंग है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसके ऊपर हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? पी, वी, टी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, यही रहती है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। देन आता है वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन कंप्रेसिंग अ गैस। एक गैस को जब हम कंप्रेस करते हैं तो उसमें हमें कितना वर्क करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने एक सिलेंडर लिया, उसके अंदर गैस भर ली, ऊपर से एक पिस्टन लिया, पिस्टन से हम उसको दबा रहे हैं गैस को, ठीक है। तो हम वर्क कर रहे हैं ना गैस को दबाने में, अब वो कितना वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम प्रेशर कांस्टेंट मान के चलते हैं, एक पर्टिकुलर आप फोर्स से उसको दबा रहे हैं, तो प्रेशर कांस्टेंट मान लिया। अब वॉल्यूम आपने डिक्रीज किया ना दबाने में, पहले वॉल्यूम V1 था, अब V2 हो गया,
V1 ज्यादा है V2 से, ठीक है, तो कितना वर्क डन हुआ, P इंटू डेल्टा V, तो इस टाइप से हम सोच सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, ठीक है, इसमें एजम्पशंस क्या गया, क्योंकि हमने इसको एज्यूम किया ना, ठीक है, एजम्पशंस क्या गया, क्योंकि आइडियल गैस या परफेक्ट गैस तो है ही नहीं ना, तो एजम्पशंस सबसे पहले आपको माननी पड़ेंगी, कौन कौन सी एजम्पशंस है, देन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर होता क्या है, जैसे फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर, ये पता होना चाहिए आपको। देन काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ, अब यहाँ पर टेम्परेचर, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना, तो वहाँ तो हमने कहा था डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यहाँ पर काइनेटिक इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि उसका मोशन से क्या रिलेशन है टेम्परेचर का, ठीक है। आपको पता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं, तो मोशन जनरेट कर देते हैं टेम्परेचर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास RMS। अब RMS लेते क्यों, RMS है क्या, तो RMS स्पीड ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, ठीक है, मोलिक्यूल्स मैंने बता दिया आपको, गैस के क्या होंगे, मोलिक्यूल्स होंगे। अब उनकी जो मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इधर उधर भागते हैं, तो भागने से क्या होगा, स्पीड आएगी। अब कौन सी स्पीड लेनी है, RMS। अब RMS ही क्यों लिखते हैं, RMS का मीनिंग क्या है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो जो स्पीड है, स्पीड की एक डायरेक्शन भी होगी, कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम उस स्पीड को स्क्वायर कर लें पहले, फिर उसको ऐड कर दें, सारे स्पीड्स को स्क्वायर करके ऐड कर लें हर एक पार्टिकल को, और उसका फिर अंडर रूट ले लें, तो उसको बोलेंगे हम RMS। तो इसमें क्या होगा, आपके जो डायरेक्शन का इफेक्ट है ना, वो खत्म हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर में डायरेक्शन का इफेक्ट, सिर्फ मैग्नीट्यूड का इफेक्ट रहेगा। तो RMS हम जनरली मान लेते हैं जहाँ पर डायरेक्शनल को हमें खत्म ही करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एंड, एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस, ठीक है। ऊपर हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखा था, CpO Cv था, ठीक है, वहां पर इसके क्या एप्लीकेशंस है ऑफ गैसेस। देन आ जाता है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ, ठीक है, मीन फ्री पाथ। देन एवोगाड्रोस नंबर आ जाता है, यहीं से हमारा एवोगाड्रो नंबर भी बन जाएगा। देन यूनिट नंबर 10 आ जाता है, यूनिट नंबर 10 में हमारे पास ऑसिलेशंस एंड वेव्स है। तो यहाँ पर ये यूनिट जो है ये बिल्कुल अलग तरीके का है, ऑसिलेशन एंड वेव। तो यहाँ पर मतलब ये मान के चलो आप वाइब्रेशन में आ गए हो, फिजिक्स में वाइब्रेशन में। तो ऑसिलेशंस क्या होते हैं, ऑसिलेशन सबसे पहले ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। जैसे मान लो एक आपने पेंडलम लिया, ठीक है, पेंडलम का जो गोला है या स्फीयर है उसको एक साइड से छोड़ा और वो दूसरी साइड तक गया, ठीक है, इस तरह चलता रहता है वो। या घड़ियों में भी देखा होगा, पेंडलम वाली जो घड़ियाँ हैं उसमें गोला इधर से उधर चलता रहता है ना, तो वो जो मोशन है वो है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। और साथ में दूसरा चैप्टर है वेव्स, तो दोनों चैप्टर अलग अलग हैं, ठीक है। तो पहले हम चैप्टर नंबर 14 में आते हैं, ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस में क्या क्या पढ़ना है हमने। तो सबसे पहला मोशन जो है पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन में पीरियड समझो, पीरियड मतलब टाइम पीरियड, ठीक है, जो मोशन अपने आप को रिपीट करता है एक टाइम पीरियड के बाद उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। अब उसके अंदर क्या क्या स्टडी करना, टाइम पीरियड क्या होगा उस पीरियोडिक मोशन का, एक टाइम पीरियड क्या होगा, जैसे पेंडलम के केस में होता है 2π√L/g, ठीक है, ये टाइम पीरियड होगा पेंडलम होता है, ठीक है। तो जो भी पीरियोडिक मोशन होगा उसका एक हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, रेपिटिशन, मतलब टाइम पीरियड के साथ रेपिटिशन है, तो फ्रीक्वेंसी जो है उल्टा है, अगर टाइम पीरियड ज़्यादा हो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी टाइम पीरियड कम होगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। देन आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो टाइम का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, तो आगे आगे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ती जाएगी, इस तरह से आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शंस।
तो पीरियोडिक फंक्शंस के अंदर हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब ये स्पेशल कैटेगरी आ गई, पीरियोडिक से हार्मोनिक, हार्मोनिक से सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो मोशन में आगे से आगे हम स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, ठीक है। एंड इट्स इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही हम क्यों लेते हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करना ईजी है, ठीक है। हमने मोशन को अपना आइडियल की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि हम उसको ईजिली स्टडी कर सकें। एक्चुअल मोशन को स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम स्पेशलाइज केस ले सकते हैं, उसको स्टडी करके फिर उसको जनरलाइज कर लेंगे। देन यहाँ पर आया था फेज क्या होता है इसका, ठीक है। फेज क्या है, उसके बाद क्या है, ऑसिलेशंस ऑफ, ठीक है, ऑसिलेशंस ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग, ऑसिलेशंस ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग। अब लोडेड वर्ड का मीनिंग क्या है, लोडेड स्प्रिंग, लोडेड वर्ड का मीनिंग है कि स्प्रिंग को या तो आपने पूरा खींचा हुआ है या पूरा दबाया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल नहीं है स्प्रिंग, अपनी रेस्ट पोजीशन पर नहीं है, लोडेड पोजीशन पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। स्प्रिंग कितना फोर्स से वापिस अपने आप को ओरिजिनल पोजिशन में ले आएगा। एंड फोर्स, ठीक है, एंड फोर्स कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स के साथ ही फोर्स कॉन्स्टेंट भी हम ड्राइव कर लेते हैं मैथमेटिक्स से सारा। देन एनर्जी इन SHM, ठीक है, SHM में एनर्जी कौन कौन सी रहती है, तो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी, दो तरह की एनर्जी रहेगी SHM में, ठीक है। जैसे मैंने पेंडुलम के केस में बताया था कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। तो यहाँ पर क्या है, अब सिंपल पेंडुलम आ गया, ठीक है। स्प्रिंग को स्टडी कर लिया, तो स्प्रिंग में क्या था, लीनियर टाइप का मोशन रहता है, लेकिन पेंडुलम में लीनियर मोशन नहीं रहता। पेंडुलम में जो मोशन रहता है वो क्या रहेगा, रोटेशनल टाइप का मोशन रहेगा। ऐसे तो ऑसिलेशन तो है ही है, लेकिन जो मोशन है वो रोटेशनल रहेगा। तो यहाँ पर डेरिवेशन ऑफ, किस चीज की आपने डेरिवेशन करनी है, एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट l अपॉन g, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये खत्म हो गया, तो उसके बाद वाइब्रेशंस को कैटेगराइज किया गया, फ्री, फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, तीन तरह के हैं, फ्री, फोर्स्ड एंड डैम्प्ड। तो फ्री क्या है, जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा। फोर्स्ड क्या है, एक्सटर्नल फोर्स अभी भी काम कर रहा है, ठीक है, उस दौरान जो हमारे वाइब्रेशन पैदा हो रहे हैं। और डैम्प्ड क्या है, डैम्प्ड ये है कि जो टाइम के साथ धीरे 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 कम हो रहा है जिनका एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब जैसे अब रेजिस्टिंग फोर्स होते हैं ना, जैसे हमारे पास एयर, एयर का जो फोर्स रहता है, ठीक है, एयर भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं वाइब्रेशंस को, ठीक है, और बहुत सारे जो है चीजें हैं जो एब्जॉर्ब कर लेती है वाइब्रेशंस को, तो उनके कारण डैम्पिंग हो जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वालिटेटिव आइडिया, ठीक है, यहाँ पर क्वालिटेटिव लेना, क्वांटिटेटिव नहीं लेना। देन आ जाता है हमारे पास यूनिट नंबर 15, यूनिट नंबर 15 में वेव्स रहेंगे, ठीक है। तो वेव्स क्या है, तरंगे हैं, ठीक है। वेव की प्रॉपर्टीज कुछ एक तो हम पढ़ के आए हैं पीछे, जैसे क्रेस्ट है, ट्रफ है, एम्पलीट्यूड होगा वेव का, फ्रिक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी, वेलोसिटी होगी, ये सब वेव्स की प्रॉपर्टीज रहती है। तो अब देखते हैं हम हमारे सिलेबस में यहाँ पर क्या है, वेव मोशन है। पहला वेव मोशन मतलब जैसे पानी के अंदर आपने कंकर फेंका तो वो क्या होगी, वेव जनरेट हो गई। तो वेव कहाँ जाती है, वेव चलती है ना बाहर की तरफ धीरे 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 करके, तो वो क्या है, वेव का मोशन है। अब वेव के दो तरह के मोशन होते हैं, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा होता है ट्रांसवर्स, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल कभी भी हम वर्ड यूज करते हैं, दैट मीन्स अलोंग द एक्सिस, और ट्रांसवर्स मतलब 90 डिग्री टू द लीनियर मोशन या लॉन्गिट्यूडनल मोशन, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मोशन। तो यहाँ पर जो है आपके पास स्पीड ऑफ, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव, स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव, वेव की स्पीड कितनी होगी या वेलोसिटी, यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी का एक ही मीनिंग है वेव के केस में, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो स्पीड तो पता चल गई आपको, और उसका साथ में डिस्प्लेसमेंट कितना, मतलब उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। देन आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फॉर ए प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है, प्रोग्रेसिव मतलब जो आगे आगे बढ़ती जा रही है। देन आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स। अब दो वेव्स हैं, ठीक है, एक का अपना एक वेव फॉर्म है, दूसरे की अपनी वेव फॉर्म है। अब वेव फॉर्म कैसे होती है, साइन वेव की तरह से रहती है जनरली, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें साइन वेव रहती है, ठीक है। अब हो सकता है उनके एम्पलीट्यूड दोनों के अलग अलग हो, एक का एम्पलीट्यूड कम है, एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा है।
अब मान लो दोनों को हमने कंबाइन करना है, सुपर इम्पोजिशन का मतलब है कंबाइन करना है, ठीक है। तो उसके उससे क्या होगा, एक नया वेवफॉर्म जनरेट होगा। तो वो वेवफॉर्म कैसा होगा, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। देन आता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है, वेव रिफ्लेक्ट होगी, मतलब वेव टकराई किसी चीज से और वापस आ गई, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। देन आता है हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग्स एंड ऑर्गन पाइप्स देन बीट्स। अब यहाँ पर सारी एप्लीकेशन टाइप की है, जैसे देखिए स्ट्रिंग के केस में वेव्स कैसी होंगी। मान लीजिए आपने दोनों हाथों से या किसी एक एक चीज पर एक स्ट्रिंग को बांध दिया और दूसरे हाथ में पकड़ लिया, मतलब एक स्ट्रिंग को दोनों पॉइंट से आपने कस के बांध दिया, उसके बाद उसको बीच से हल्का सा हिला दिया, तो वहां पर भी वेव जनरेट होती है ना। लेकिन वो जो वेव जनरेट होती है उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम रहता है और धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाता है। इसी तरह से हमारी जो ऑर्गन पाइप है उसके अंदर जो वेव जनरेट होती है देन बीट्स होती है, ठीक है। बीट्स एक स्पेशल कैटेगरी है वेव्स की। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 15 था जिसमें हमने वेव्स स्टडी कर ली और ऑसिलेशन स्टडी किया। तो ये आपका लास्ट चैप्टर था, इसके बाद आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो हमने यूनिट वाइज मार्क्स देखे सबसे पहले, उसके बाद हमने टर्म वन का सिलेबस देखा, देन टर्म टू का देखा और इनका डिटेल कंटेंट भी देख लिए। तो ये हमारा फिजिक्स का क्लास 11 का सिलेबस था। अब आपको जो स्टडी करनी है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ में, कि स्टडी आपको टर्म वाइज करनी है। टर्म वन के लिए आपको MCQ चाहिए, टर्म टू के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चाहिए। तो कुछ एक बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो उनकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं उन बुक्स को और परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारे पास इतना ही मटेरियल है, ठीक है। इस तरह के वीडियोज़ हम ट्राई करेंगे कि आपको हर एक सब्जेक्ट के मिल जाए। ऑलरेडी हमारे पास क्लास 9th, 10th और 12th के वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। तो अभी हम क्लास 11th की सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो इसमें फिजिक्स का हो गया था पूरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।